कानपुर के घाटमपुर में राधा कृष्ण के प्राचीन मंदिर में बीते 16 सालों से बिना राधा रानी के जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन इस दिन भक्तों को यहां पर अपनी राधा रानी की कमी बेहद खलती है। दरअसल साल 2008 में चोरों ने मंदिर में स्थापित अष्टधातु की कीमती मूर्तियां चोरी कर वो ले गए थे और इसमें राधा रानी की प्रतिमा समेत 10 छोटी छोटी अन्य प्रतिमाएं भी शामिल थी। मंदिर के तत्कालीन सर्वाकार की शिकायत पर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया था और प्राचीन मंदिर से चोरी हुई अष्टधातु की कीमती मूर्तियां राधा रानी समेत 10 छोटी छोटी मूर्तियां बरामद हुई थी। तब से राधा रानी समेत अन्य छोटी प्रतिमाएं घाटमपुर थाने के माल खाने में कैद हैं और मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन भक्तों को राधा रानी की कमी खल रही है। घाटमपुर विधायक सरोज कुरील समिति की बैठक में रखेंगे मूर्तियों को रिलीज कराने की मांग। मंदिर में कब चोरी हुई थी और कब से कृष्ण भगवान अकेले हैं मंदिर में? 2008 में चोरी हुई थी, तब से ये अकेले हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राधा जी को जल्द से जल्द लाया जाए और उनकी पूजा अर्चना कायदे ढंग से की जाए। अभी हम लोग करते तो हैं लेकिन आनंद नहीं आता है, बस ये। जन्माष्टमी बिना राधा जी बना रहे हैं, हाँ, बिना क्या, राधा जी क्या कहेंगे उस पर? उस पर क्या कहेंगे, जब भी पर्व आता है तब भी यही होता है कि बगैर राधा जी के पर्व मनाया जाता है और जो कुछ वो होता है लोकरीत में वो सब कर देते हैं। राधा जी की कभी याद आई, कभी प्रयास किया गया? हाँ, प्रयास चल रहा है, बाकी अभी आई नहीं है वो, और बगैर राधा जी के भगवान कृष्ण अकेले हैं इस समय। जो आप बता रहे हैं मद्रास के मंदिर में जो माल खाने में राधा रानी जी की मूर्ति जो बंद है, उसके लिए हमारी एक समिति अनुसूचित जनजाति की समिति है, उसमें राज संपत्ति की हमारी विभाग की जो है मीटिंग कमेटी लगी हुई है, उसमें मैं ये मुद्दा उठाऊंगी कि वो हमारे मद्रास मंदिर को जो है वो वापस की जाए और सुरक्षा के साथ करी जाए ताकि वो मूर्ति दोबारा से कोई चोरी ना कर सके।